नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आप सभी जान रहे हैं कि यहां पर टीचिंग वैकेंसी का एक तरह से देखा जाए कि भरमार आ गया है। बिहार में शिक्षक भर्ती स्टार्ट है अभी। आपका अगर हम बात करें DSSBB में भी आने वाली है। KBS का रिक्रूटमेंट इससे पहले आपका हो चुका है और कहीं ना कहीं यूपी में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो उसी क्रम में अगर हम देखा जाए तो ये सेंट्रल की एक वैकेंसी है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आ रही है। इन द केस बोला जाए तो ये जो वैकेंसी है एकलव्य विद्यालय की है और ये 38,000 के अप्रॉक्स आ रही है। 38,000 पोस्ट इसमें आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 37,740 पोस्ट का यहां पर ब्यूरो दिया गया है और ये नोटिस जो है 2 जून 2023 का। इससे पहले एक बार एकलव्य का फॉर्म फिलिंग का प्रेस नोटिस जारी हुआ था और लेकिन कोरोना के चलते 2021 में 30 अप्रैल की बात है शायद 21 में, लेकिन वो बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, फिर हुआ नहीं। तो अब ये आपका पूरा का पूरा बोला जा रहा है कि 38,000 पोस्ट पर एकलव्य विद्यालय में रिक्रूटमेंट होगा। ये सबके लिए ही बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसका जो विद्यालय है हर स्टेट वाइज है और इसकी जो वैकेंसी होगी वो स्टेट वाइज होगी। तो जो अपने स्टेट में टीचर बनना चाहेंगे इस एकलव्य विद्यालय में वो बन सकते हैं। इसका ब्यूरो क्या है जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो एकलव्य विद्यालय ने आपको जारी किया है ये एक रिक्रूटमेंट रूल है। कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं, कितने पोस्ट आ रहे हैं, क्या आहार्ता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन ही होता है इसके लिए जो आपका ये एकलव्य विद्यालय हो, ट्राइबल के लिए होता है बेसिकली ये। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द गवर्निंग बॉडी ऑफ NESTS hereby make a following rules regulating the method of recruitment in respect the following teaching and non-teaching post। इसमें टीचिंग पोस्ट भी आ रही है और नॉन टीचिंग पोस्ट आ रही है। कुछ पोस्ट मात्र बहुत कम पोस्टों में एक तरह से बोला जाए बाय प्रमोशन है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है। ये कह सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि 30,000 प्लस, मतलब 30 क्या 32,000 प्लस पोस्ट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं टोटल कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं इसके बारे में हम लोग देख लें। तो जो आपके पोस्ट आ रहे हैं एकलव्य विद्यालय में वो आपके वो आ रहे हैं प्रिंसिपल का पोस्ट आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल का रहा है, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी का रहा है, टीजीटी का रहा है, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर का रहा है, लाइब्रेरियन का रहा है, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, जेएसए, यही जो जेएसए केवीएस में जेएसए था एसएससी था ये पोस्ट इसमें भी आ रहा है। कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, उसके बाद से आपका देखो कुक आ गया, कुक आ गया क्योंकि यहां बच्चे रह के पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो बच्चे हैं वो रह के, एक तो आवासीय विद्यालय बोल सकते हो इसको, उसके बाद से मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, ये सब के पोस्ट हैं, ठीक। चलिए यहां देखिए, दिस आर रूल में भी कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल, ठीक है। तो ये क्या है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बोला गया ना, आवासीय स्कूल रिक्रूटमेंट रूल 2023, दे शैल कम इन द फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। ये कब आएगा फोर्स में, जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब से इसका रूल ये फोर्स में आ जाएगा। चलिए मेन जो हमारा काम है वो देखना है यहां पर, हाँ, एज लिमिट और रिक्रूटमेंट यहां पर बोला है ना, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफिकेशन, इसके बारे में यहां पर डिटेल आपको दिया गया है। इसको मैं बता दूं सबका एज लिमिट क्या क्या है यहां पर देख लेंगे हम लोग। यहां बोला इन ऑर्डर टू इनकरेज मोर फीमेल कैंडिडेट टू अप्लाई द टीचिंग जॉब इन EMRS, द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हॉस्टल वार्डन फीमेल वुड बी एक्सटेंडेड बाई 10 ईयर वाइल डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी। मतलब फीमेल को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आपके किसके पोस्ट पे, टीजीटी पोस्ट और हॉस्टल वार्डन के पोस्ट वुड बी एक्सटेंडेड 10 ईयर कर दिया गया, 10 साल इनके एज में बढ़ोतरी कर दी गई है।
बाकी हम लोग यहां पर देख लेते हैं प्रोविजन पीरियड के बारे में आपका सब कुछ दिया गया है। तो यहां आपको मैं बता दूं ये रहा आपका कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में आपको बता दिया गया है। अगर पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका बोला वन पर ईएमआरएस एकलव्य मॉडल इक्विपमेंट स्कूल, मतलब टोटल 740 पोस्ट आ रहा है, एक प्रिंसिपल एक ईएमआरएस में चाहिए, ठीक है, तो टोटल 740 चाहिए हमें। ग्रुप ए का पोस्ट है आपका जो पे लेवल है 12 है और ये आपका पेमेंट स्केल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा पैसा है इसमें। नॉट एक्सीडिंग 50 साल, उम्र जो है आपकी 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अप टू 55 ईयर फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉई, मतलब जो पहले से ईएमआरएस में है प्रमोशन के द्वारा भी कुछ पोस्ट इसमें फिल होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल का पोस्ट आपका क्या होता है, बेस होता है मेनली प्रमोशन पे, ठीक है, तो कुछ प्रमोशन से होगा कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। अगर हो सकता डिपेंड करता, और जो ईएमआरएस के मतलब एक तरह से बोला जाए कैंडिडेट होंगे उनके लिए छूट है 55 साल तक। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी एंड ओबीसी एंड अदर कैटेगरी एज एप्लीकेंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, मतलब जो आपके गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल में एज रिलैक्सेशन लगता है वही आपका एससी एसटी और ओबीसी में लगेगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी से और बीएड डिग्री चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें, कम से कम पर्सन है 12 साल का 12 ईयर एक्सपीरियंस का कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी या टीजीटी विथ मिनिमम 4 ईयर एज ए पीजीटी एंड अबव, ये ध्यान रखिए, पर्सन हैविंग 12 ईयर ऑफ कंबाइंड क्या एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी विथ मिनिमम 4 ईयर एज ए पीजीटी, मतलब कम से कम इनमें से कोई ऐसा हो और 4 साल तक पीजीटी किया हो या उसके अबव हो, ठीक है। डिजायरेबल क्या एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुल्ली रेसिडेंटियल स्कूल, एक तरह से कि आपको रेसिडेंटियल स्कूल में कैसे रहना है वो चीजें होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की भी आपको नॉलेज, रीजनल लैंग्वेज क्योंकि अलग अलग स्टेट में है तो रीजनल लैंग्वेज जरूरी है, और कंप्यूटर नॉलेज तो आजकल सबको बोलता ही है कि जरूरी है। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल बी अप्लाई प्रमोट, पीरियड ऑफ प्रमोशन आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का होगा, रिक्रूटमेंट इसका देख लो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब 740 पोस्ट है इसका 50% आपका क्या होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 25% प्रमोशन से होगा, 25 बाय लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से होगा, और 25 आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम से कंसिडर किया जाएगा। आ जाओ उसके बाद से हम लोग देख लेते जो काम काम की इंफॉर्मेशन है उसको बता देते हैं। वाइस प्रिंसिपल की आ जाओ, जो मेन काम का वाइस प्रिंसिपल, इसमें भी 740 पोस्ट पर एक पर स्कूल चाहिए आपका, इसका भी देखो पे लेवल बहुत अच्छा है 56,100 से लेकर 177,500 है। नॉन सेलेक्शन आप नॉट एप्लीकेबल, ये क्या है एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोई एप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉट एप्लीकेबल अभी है, 2 साल का प्रोबेशन है, इसमें भी बताया गया आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए 50% प्रमोशन से सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस और 50% आपका लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भरा जाएगा। तो यहां पर आपका 50% प्रमोशन से है और 50% आपका किससे है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका नहीं होगा वाइस प्रिंसिपल का, ठीक है। यहां बोला है प्रमोशन अमॉन्ग द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ईएमआरएस विद 4 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल ऑफ पे 8 के लेवल पर आपने रेगुलर सर्विस किया होगा तो उसके बिहाफ पर आपका प्रमोशन होगा, तो ये पोस्ट आपका प्रमोशन के बिहाफ पे होगा शायद, ठीक। हाँ अब आते हैं हम लोग, ये कौन सा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो पीजीटी टीचर हैं उनके लिए बात करें तो 11 पर ईएमआरएस, हर एक स्कूल में 11 टीचर चाहिए, 8,140 पोस्ट है इसमें, कौन कौन से के लिए पीजीटी चाहिए इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद से आपका फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स 12 सब्जेक्ट पीजीटी सीएस सेपरेट आरआरआर प्रिपेयर, 11 पर ईएमआरएस चाहिए, ग्रुप बी हो जाएगा ये, लेवल 8 का है। यहां पर देखिए इनका जो इनकम होगा, यहां एज अगर हम बात करें तो 40 साल से
क्या है बोला गया आपसे, ध्यान दीजिए, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 55 साल तक होना चाहिए ईएमआरएस एम्प्लॉय, बाकी इन लोगों को छूट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो ध्यान दीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी से पोस्ट, जैसे इंग्लिश के लिए मास्टर होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी के लिए मास्टर हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी वाले बॉटनी जूलॉजी या बायोलॉजी में आपका क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, हिस्ट्री हिस्ट्री में होना चाहिए, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में होना चाहिए, कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग कॉस्ट काउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर सब्जेक्ट, डिग्री ऑफ एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां पर बोला है देखिए, डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब ये इकोनॉमिक्स वाले नहीं एलिजिबल होंगे यहां पर कॉमर्स में, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कौन से एमकॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, पीजीटी इकोनॉमिक्स में देखो क्या है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में मास्टर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में आपका रीजनल लैंग्वेज में आपका मास्टर का डिग्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट में कैंडिडेट पोस्टिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसीडर एज एलिजिबल, ठीक है, उसके बाद से आपका यहां पर बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड फोर ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बीएड डिग्री बोला इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड फोर ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर आपका क्या है, हाँ, जहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स है चार साल का वहां पर बीएड आपको जरूरी नहीं है। तो ए पॉइंट ये है आपका, और बी पॉइंट आपका यहां पर ये दिया है कि बीएड डिग्री, ठीक, चार साल के कोर्स में आपका बीएड डिग्री जरूरी नहीं है। हाँ, उसके बाद से दो साल का प्रोविजन पीरियड होगा, यहां पर देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में बोला है पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स 100 बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और पीजीटी हिंदी पीजीटी इंग्लिश पीजीटी रीजनल लैंग्वेज 50% प्रमोशन से होगा, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, समझ रहे हो, तो यहां पर बाकी पोस्ट के लिए और अदर पोस्ट के लिए 25% प्रमोशन होगा, 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो ये बोला गया, वही मैं बोला था, कुछ आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ प्रमोशन है, और कुछ आपके एग्जाम बेसिस पर है। चलिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब इनका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और जो प्रमोशन वाले हो तो डिपार्टमेंट होगा, और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा वो अलग से होगा। चलिए, अब ये प्रमोशन की बात कर दी गया है यहां पर, अब हम लोग यहां पे आते हैं पीजीटी के, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर का अलग से रूल है क्योंकि इसमें बीएड नहीं मांगता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस 740 पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी का है, इतना आपका इनकम है, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए ईएमआरएस 55 साल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए हर जगह, यहां पर बीटेक भी अलाउ होता है लेकिन यहां पर एमटेक अलाउ किया है, एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी वही एलिजिबल है, एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए वाले सिर्फ यहां पर एलिजिबल होंगे, बीटेक वाले 12th के लिए कंप्यूटर साइंस के टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दो साल का प्रोविजन होगा, और इसका रिक्रूटमेंट आपका बोला है डायरेक्ट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब इसका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, उसके तहत इसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अगला हमारा जो पोस्ट है वो है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मतलब टीजीटी का है, टीजीटी का है, इनका क्या है, टीजीटी का कितनी है, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, टोटल 8,880 पोस्ट आ रहा है, ये आपका पे लेवल 7 का है, इतना आपका बेस पे लेवल होगा 44,900 से, ये बेसिक पे होगा, इस पर आपके भत्ता होता लगेंगे। उसके बाद से इसका एज बोला 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ईएमआरएस का 55 होना चाहिए, फिर ये बाकी आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है ये देख लेते हैं, फोर ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में अगर चार साल की आपकी डिग्री है बाय एनसीईआरटी और एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में वो चलेगा, और बैचलर डिग्री बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आपका ऑनर्स है तो वो चलेगा। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर इन 3 ईयर डिग्री कोर्स, और जो 3 साल का कोर्स है उसमें कैंडिडेट कम से कम 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा रहता है तो वो एप्लीकेबल होगा। और क्या बोला है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट
द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स इन ऑल थ्री ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स। यहां पर एक चीज और दे दिया है, बोला गया है जो ऑनर्स वाले हैं उनके लिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडी जो आपके सब्जेक्ट हो कम से कम दो साल आप पढ़े हो तीन साल के कोर्स में, और जो आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हो उस ग्रेजुएशन में आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो कम से कम तीन साल थ्री ईयर डिग्री कोर्स में आपका होना चाहिए। बोला द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इन ऑल थ्री ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स। तीनों साल में अगर आप पढ़े हैं तभी आप उसके टीचर के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। काफी कंफ्यूजन होता है इसको लेकर बच्चों में। जैसे यहां देखिए कुछ नोट करके लिखा गया है, पीजी पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एस फॉलो। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल थ्री ईयर फॉर डिग्री कोर्स, मतलब आपके डिग्री कोर्स में तीन साल हिंदी होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल थ्री ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। अगर आपके मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री है इनमें के साथ कोई आपका सब्जेक्ट है तब आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ के साथ आपके ये तीनों आपके क्या होने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन डिग्री में होने चाहिए। हाँ, उसके साथ बोला है इन केस सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली टू सब्जेक्ट आउट ऑफ सिक्स एज मेंशन अबव द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड थ्री सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथ फिजिक्स तो लास्ट ईयर में पढ़े हो, अगर आपको दो मिलता है, इन सच केस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ओनली टू सब्जेक्ट ऑफ द सिक्स एज मेंशन अबव द फाइनल ईयर, तो आप मैथ और फिजिक्स होना चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, एंड थ्री सब्जेक्ट जो आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में होना चाहिए। मतलब आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए आपके पहले और दूसरे साल में। और जो आपका कैंडिडेट हु पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स एनी ऑफ द टू ईयर। मतलब अगर दो साल में इनमें से क्या पढ़े हो, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स में से कोई चीज पढ़ा गया हो दो साल, तो वो एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। ये भी बोला जो कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स हैं किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की बात करें तो टीजीटी साइंस में देखो बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री आ जाता है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल थ्री ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, वही अप्लाई करेगा। बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री अगर पढ़े हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस सच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड फॉर ओनली टू सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी या जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल द थ्री सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन अबव मेंशन थ्री सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर टू सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द टू ईयर्स ऑफ द कोर्स। मतलब ऑनर्स में हमेशा दो साल तक अगर आपने वो जो भी यहां पे सब्जेक्ट लिखा है वो पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें, सोशल स्टडीज की बात करें, तो सिंपल सी बात है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। जैसे हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से आप ले सकते हो। हिस्ट्री है आपके पास तो इसके साथ इनमें से कोई एक आप ले सकते हो, और अगर ज्योग्राफी आपने ले लिया तो ज्योग्राफी आपका हो गया। और देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी लेना कंपलसरी है, ठीक, उसके बाद से आप ऑप्शन कर सकते हो कि हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ले लो। इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स
एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन ऑफ वन मस्ट बी द आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये बोला है कि यहां पर कि इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट, इसमें से कोई दो सब्जेक्ट वो पढ़े हो आउट ऑफ किसमें से, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इन विच वन ऑफ द मोस्ट आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, क्या बोला है, एक आपका मस्ट वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन द स्टडी फॉर ऑल थ्री ईयर इन द ग्रेजुएशन। ये भी बोला है कि जो ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी है आपका, कि हिस्ट्री के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना ले रहे हो, ज्योग्राफी जैसे ज्योग्राफी ले रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो, लेकिन हाँ आप इनमें से ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई तीन साल सब्जेक्ट आप पढ़े हो वही अप्लाई कर सकता है। या तो हिस्ट्री आप तीन साल पढ़े हो, ये आपका नहीं मायने रखता, इकोनॉमिक्स पॉलिटी आप पढ़े हो दो साल पढ़े हो उससे कोई मतलब, लेकिन जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप ले रहे हो वो कम से कम आप तीन साल पढ़े हो। इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्स सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स। मतलब वही बोला, अगर हिस्ट्री ऑनर्स के साथ हो तो ज्योग्राफी अगर आप दो साल पढ़े हो तभी भी आप मान्य होगे, और ऑनर्स ज्योग्राफी के साथ हो तभी भी आप हिस्ट्री अगर दो साल पढ़े होगे तो आप मान्य होगे। मतलब इनमें से कोई सब्जेक्ट आप पढ़े होगे तब आप एलिजिबल होगे। बोला है बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस से ऑनर डिग्री लेगा या इकोनॉमिक्स से लेगा वो आपका क्या होगा, सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी रीजनल के लिए मैं बता दूं, कंसर्न सब्जेक्ट से अगर आपने डिग्री लिया है तब आप हो गए, एंड फॉर ऑल टीजीटी, ठीक है, टीजीटी के लिए, सभी टीजीटी के लिए क्या है, आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई इन अकॉर्डिंग विद द गाइडेंस फ्रेम बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस, आपको सीटेट पास होना चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है, अब बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू द इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, आपको इसमें टीचिंग आना चाहिए इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, यह ध्यान रखिएगा। और वही बोला कि बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर फोर ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एज मेंशन इन क्लॉज सी में जो दिया गया है। ठीक है, इसका भी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इसका आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिल किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। चलो आर्ट टीचर के लिए क्या है, आर्ट टीचर के लिए देख लो, इसमें 740 पोस्ट है, इसका भी इनकम ये है आपका लेवल 6 है, 35 साल इसमें भी है, 55 साल इसका है, मैक्सिमम एज 35 साल इसमें बोला है। अब आज बात करते हैं, इसमें आपका बोला है डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट। अगर आपने बीएड डिग्री लिया है फाइन आर्ट में या रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपका कोई भी डिग्री है जो फाइन आर्ट के थ्रू है, बीएड कंपलसरी नहीं है, अगर आपका डिग्री है फाइन आर्ट में तभी आप एलिजिबल हो। यह भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, यह ध्यान रखिएगा, इसका भी प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा, डायरेक्ट भरा जाएगा आपका। उसके बाद से म्यूजिक टीचर की बात करें तो यह भी आपका 740 पोस्ट है, लेवल 6 है, इसका भी पेमेंट 35 साल आपका है, अपर एज लिमिट, बाकी लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें आपको क्या बोला है, इसमें भी कोई बीएड की जरूरत नहीं है, अगर बैचलर डिग्री है आपके पास म्यूजिक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यह भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो यहां पर आपको दो चाहिए, एक मेल एक फीमेल, तो टोटल 1480 पोस्ट हुआ, लेवल 6 की आपकी जॉब है, 35 साल इसका अपर एज लिमिट है। ठीक है, चलिए हाँ, 55 साल ये हमारा एम्प्लॉई के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यह भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा, मतलब यह भी पूरा पोस्ट डायरेक्ट आएगा, कोई इसमें प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट पे, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट आएगी, टोटल 740 पोस्ट रहेगा, लेवल 7 है इसका, पेमेंट ग्रुप बी का ऑफिसर है ये, एक तरह से बोल सकते हैं 44,900 बेसिक, इस पर डीए हुए, डीए 42% मान लो, अच्छा खासा इनकम बनेगा इसका 60,000 के अप्रोक्स। उसके बाद इसमें भी एज 35 साल है और एमएस जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके लिए 55 साल है, तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसमें आपको
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लाइब्रेरियन में डिग्री, लाइब्रेरी साइंस में आपका डिग्री हो या ग्रेजुएशन विथ वन ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फॉर्म रिकॉग्नाइज। अगर ग्रेजुएशन के साथ आप एक साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किए हैं तब आप एप्लीकेबल होंगे। अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा पोस्ट डायरेक्ट भरा जाएगा आपका, मतलब एग्जाम के थ्रू ये नोटिफिकेशन में इसका आएगा। आ जाओ, फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स में देखो 740 पोस्ट है, ग्रुप सी का है, लेवल 5 है, 29,200 से इसका बेसिक स्टार्ट होगा, अपर एज 35 है और ईएमआरएस के लिए 55, बाकी आपको सेंट्रल की तरह रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग है आपका या रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फॉर्म ए यूनिवर्सिटी, तब भी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या बोला गया, क्या होना चाहिए, रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स मेडवाइफ विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन हो, 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 15 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग वन एबव, मतलब आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए कम से कम 50 हॉस्पिटल वाले बेड में एज ए आप वर्किंग हो, ठीक है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी भी भर्ती डायरेक्ट आएगी। इसके बाद से आपका है हॉस्टल वार्डन का है, हॉस्टल वार्डन के आपके टोटल 1480 हैं, एक मेल एक फीमेल चाहिए आपको, 29,200 लेवल 5 इसका भी है, 35 एज आपका है मैक्सिमम। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर एनसीटी ये आपका मान्य होगा, बैचलर डिग्री किसी भी कोई भी बैचलर डिग्री है आपके पास तभी भी आप वार्डन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और ये भी 100% क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब इसका भी नोटिफिकेशन में आपका पूरा का पूरा पोस्ट 1400 कुछ पोस्ट है ना, 1440 पोस्ट 1480 पोस्ट पूरा का पूरा आएगा। चलिए इसके बाद से आपका अकाउंटेंट का पोस्ट है, अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए भी बोला गया है आपका 740 पोस्ट होगा, लेवल 6 का है, 35,400 बेसिक होगा, इस पर आपका डीए बनेगा। इसका जो अपर एज है, अपर एज आपका इसका कम है, अपर एज 30 साल है, ठीक है, बाकी 35 साल है, इसमें 30 साल है, बाकी एमआरएस के लिए तो 55 साल है ही है, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। डिग्री ऑफ कॉमर्स विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, अगर आपको कॉमर्स के साथ डिग्री है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इसमें अकाउंटेंट का पोस्ट फिल कर सकते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। हाँ, लेकिन एक चीज है, 740 में 50% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% प्रमोशन होगा, मतलब 740 का 50% ही इसका क्या आएगा, सीट आएगी आपके नोटिफिकेशन में। अच्छा, आ जाओ इसके बाद, इसके बाद से आपका कैटरिंग असिस्टेंट का भी पोस्ट आ रहा है, इसमें भी 740 पोस्ट है, 25,500 इसका बेसिक होगा, 35 इसका अपर एज है, 55 ईएमआरएस के लिए है, 3 साल का डिग्री कोर्स कैटरिंग में आ रहा है, उसके इक्विवेलेंट किए हैं तब आप मान्य होंगे, ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास कोई, ठीक है, कैटरिंग का ट्रेड सर्टिफिकेट है, मिनिमम 10 साल सर्विस का डिफेंस सर्विस या और रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, इसमें जो होगा आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा कैटरिंग वाला। हाँ, इसके बाद से चौकीदार का पोस्ट आ रहा है, चौकीदार में 2 पर ईएमआरएस चाहिए, मतलब हर एक स्कूल में 2, 1480 पोस्ट हो गया, लेवल 1 है, ग्रुप सी का, 18,000 इसका बेसिक बनेगा, अपर एज इसमें 30 साल है, ये ध्यान रखिएगा, एससी एसटी ओबीसी ईएमआरएस के लिए नहीं है इसमें, एससी एसटी ओबीसी के लिए आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगता है एज रिलैक्सेशन वही लगेगा, और इसमें 10वीं पास चाहिए आपका, ठीक है, प्रोविजन वही रहेगा, और इसका भी रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट होगा, 100% आपका नोटिफिकेशन के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका कुक का पोस्ट है, कुक के पोस्ट में एक पर्सन हर ईएमआरएस में चाहिए, 740 पोस्ट है, लेवल 2 का है, 19,900 बेसिक है, इस पे 42% डीए, बाकी भत्ता लगेगा, अच्छा खासा इनकम भी जाएगा उसका, 35-36,000 के अप्रोक्स जाएगा, 35 साल इसका अपर एज है, और ईएमआरएस इंप्लॉय के लिए 55 साल है, एससी एसटी ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है, 10वीं पास होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय प्रमोशन, हाँ यहां पर ध्यान दो, इसका जो होगा बाय प्रमोशन फेलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन के बाद फिर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद
यह फिल किया जाएगा। काउंसलर की बात करें तो काउंसलर का भी एक 740 पोस्ट है, इसमें लेवल 6 है, 35,400 आपका बेसिक बनेगा। हाँ, अपर एज 35 साल है, एमआरएस के लिए 55 है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी ये आपको चाहिए। यहां पर साइकोलॉजी का मास्टर डिग्री जिसके पास है वो आपका यहां पर अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नोटिफिकेशन के थ्रू ये वैकेंसी आपकी भरी जाएगी। हाँ, अब आते हैं हम लोग ड्राइवर का। ड्राइवर के पोस्ट में देखो 740 पोस्ट, लेवल 2 है, 19,900, 45 साल तक इसमें एज लिमिट है, अप टू 45, एमआरएस के लिए 55 साल है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये ध्यान रखिए कि आपका 10वीं पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल, एटलीस्ट 3 साल का आपको मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 100%, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लंबर में, ये आपका एक 740 पोस्ट है, लेवल 2 है, 19,900 पे, 45 इसका भी अपर एज लिमिट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका क्या मांगा है, 10वां पास होना चाहिए या आईटीआई सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट, हायर डिग्री इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में आपका हायर डिग्री है तभी भी आप चल जाओगे यहां पर, मतलब बीए बीटेक वाले भी चल सकते हैं। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फाइलिंग विच डिप्यूटेशन, यहां पर भी ये क्या होगा, लिया जाएगा इनको, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा फाइलिंग विच ऑन डिप्यूटेशन, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका गार्डनर का 740 पोस्ट, लेवल 1 का है, 18,000 आपका क्या होगा, बेसिक होगा इसमें, 35 साल आपका अपर एज लिमिट है, क्लास 10th आप अगर पास हो तो गार्डनर का फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। कहां कहीं कहीं पे लिखा हो ना डिप्यूटेशन, तो वो उसमें कुछ और कैटेगरी जो एक्सपीरियंस मांगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए, जो नॉन टीचिंग में सबसे बेस्ट पोस्ट आ रही है आप लोगों के लिए, जिनको टाइपिंग आती है, ठीक है, टाइपिंग वालों के लिए फिर से एकलव्य विद्यालय में अच्छी पोस्ट है ये। ग्रुप सी का है, 19,900 आपका बेसिक है, 42% इसमें आपको डीए लगेगा, अपर एज 30 साल है, बाकी एससी एसटी ओबीसी को आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। हाँ, यहां देखिए क्या आपको चाहिए क्वालिफिकेशन में, आपका क्लास 12th होना चाहिए, क्लास 12th होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका स्पीड 35 वर्ड का इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। अब यहां देखिए बोला क्या, पोजेसिंग ए मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, ठीक है, तो कोई एक आना चाहिए, दोनों आने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग में से कोई एक आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, और यह भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। लैब अटेंडेंट देख लो, लैब अटेंडेंट क्या है, एक आपका ईएमआरएस हर में होना चाहिए, 740 पोस्ट, लेवल 1 है, 18,000 का, 30 साल अपर एज है आपका, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपका लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा है और 10th पास हो या 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम तभी भी चलेगा। अगर आप 12th, 10th के बाद अगर आपका लैब अटेंडेंस में डिप्लोमा है, लैब अटेंडेंट में, तो आप भर सकते हो, या 12th आपका साइंस स्ट्रीम से है तभी भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ये भी आपका क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये ध्यान रखिए। अगला जो हमारा है वो मेस हेल्पर का है, मेस हेल्पर में आपका 1480 पोस्ट, 18,000 बेसिक आपका बनेगा, बाकी भत्ता अलग है, 30 साल अपर एज लिमिट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको 10वां पास मांगा है, बस ये ध्यान रखिएगा इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा मेस हेल्पर में, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है मेस हेल्पर में, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एसएससी में, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में, इसमें आपका कुछ प्रमोशन से भरा जाएगा, 740 पोस्ट है, लेवल 4 का है, 25,500 आपका बेसिक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, और इसका एज लिमिट अभी नहीं बताया गया है क्या होगा, लेकिन यहां 50% आपका किससे भरा जाएगा, प्रमोशन से भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, और 50% आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरा जाएगा, इसका मतलब इसमें पोस्ट आपका नहीं आने वाला,
एसएससी का जो आएगा वो आपका प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम से ही भरा जाएगा, इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से आपका सफाई कर्मचारी स्वीपर का है, 3% चाहिए हर एक ईएमआरएस में, 2220 पोस्ट है टोटल। इसका जो है लेवल 1 18,000 बेसिक है, 30 साल अपर एज लिमिट है, बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा, 10वीं पास चाहिए इसमें भी, स्वीपर में भी, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, मतलब इसका डायरेक्ट भरा जाएगा, इसमें कोई प्रमोशन या चाहे डिपार्टमेंटल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या प्रमोशन करेंगे। तो ये आपके ओवरऑल इतने पोस्ट थे, और मैंने जैसा आपको बताया था कि कितने हो रहे हैं, 37,000 के अप्रोक्स ये पोस्ट जो दिया गया है, 37,740 के अप्रोक्स ये पोस्ट हैं। हम मान चलते हैं कि 38,000 ये पोस्ट हैं, इस 38,000 में कुछ आपके जो है एक तरह से बोला जाए गिने चुने ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका प्रमोशन है, प्रमोशन से लिया जाएगा और डिपार्टमेंटल लिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपके पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं। तो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 34,000 प्लस पोस्ट आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मिलेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों के लिए। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी केवीएस में अगर किसी कोई एक दो नंबर से रुक गया हो तो वो अपनी तैयारी एकदम जारी रखें, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका वही रहेगा और इसका जो नोटिफिकेशन है जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा, और इसको भी जो कंडक्ट कराने वाली है एजेंसी वो भी आपकी एनटीए है, इसका भी वेबसाइट एनटीए के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब 31 अप्रैल में एक बार हुआ था कि इसका फॉर्म फिलिंग होगा लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया था, तो उस समय एनटीए को ही दिया गया था, और चांसेस इस बार भी यही है कि मैक्सिमम आपके टीचिंग एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करा रही है, तो इस एग्जाम को एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है कि कब इसका नोटिफिकेशन, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिनों में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो लोग किसी ना किसी एक थोड़ी सी जो भी एक तरह से हो सकता है लक के कारण या थोड़ी कम मेहनत के कारण जो भी हो, आप लोगों का अगर सिलेक्शन किसी में नहीं हो पाया, जैसे केवीएस टीजीटी हो गया, जैसे हो गया या पीजीटी हो गया, तो पीआरटी हो गया, तो इनमें आपको अच्छा चांस है कि आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर चांस हो सकता है, ठीक है। अच्छा खासा पोस्ट आ रहा है, पीजीटी टीजीटी प्रिंसिपल इन सबको मिलाकर, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, आप अपने पढ़ाई में और पढ़ाई का जो रिदम चल रहा था उसे आप लोग मत तोड़िए, जो भी जहां से भी आपको सोर्स मिल रहा था उसे पढ़ते रहिए। जैसे इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आपका पब्लिश होता है, टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो भी हमसे हो सकता है हम आपकी हेल्प करें इस वैकेंसी में। बाकी जो नॉन टीचिंग वाला है वो तो हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चलाएंगे, बाकी टीचिंग में भी आपके कुछ पोस्ट चलाए जाएंगे। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को बताना कि परीक्षा प्लस टीम के द्वारा जो है इस बैच को चलाया जाएगा अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो, और बहुत ही मिनिमम शुल्क में आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है तो हम जरूर आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।